मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ना तो निंदा पर विचार करो और न ही प्रशंसा की चाह करो। दूसरे तुम्हारे लिए क्या कहते हैं उसके लिए चिंतित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। 16 मई 2020 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी है। वहीं राहु काल का समय रहेगा 9:53 से लेकर 11:14 तक। सूर्योदय होंगे 6:55 पर और सूर्यास्त होगा 6:57 पर। सूर्यदेव रहने वाले हैं वृषभ राशि में और वहीं चंद्रदेव रहने वाले हैं कुंभ राशि में। अब जिन जातकों का जन्म दिवस है उन्हें मेरी ओर से जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मेरी ओर से मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो राशिफल मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेगा। आज का राशिफल आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का भविष्यफल है। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, आप अपने घर पर बैठकर अच्छे अच्छे पकवानों का मजा लेंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, काम के सिलसिले में किए गए प्रयास रंग लाएंगे, दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा और प्रेम जीवन जीने वालों को भी अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके कामों में सफलता मिलेगी, काम के सिलसिले में की गई कोशिशें सफल होंगी, लेकिन आपका काफ़ी वक्त लगेगा, आप अपने कामों में अधिक दिमाग लगाएंगे और बारीकियों में जाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी पकड़ मजबूत होगी। गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख आपको मिलेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और प्रेम जीवन के लिए अच्छे नतीजे हैं और आपका प्रिया आपको खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करेगा। अगली राशि है मिथुन राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा, आप भाग्य के भरोसे बैठकर कई कामों को अटका सकते हैं जिनसे बाद आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आलस न करें, कर्म करने की प्रवृत्ति को मजबूत करें, खर्चों में बढ़ोतरी होगी जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, सेहत का ध्यान रखें, गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा, प्रेम जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। अगली राशि है कर्क राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, आज आप अपनी सेहत में कुछ गिरावट महसूस करेंगे, मानसिक रूप से भी थोड़ा तनाव हो सकता है, कमजोरी का एहसास होगा, काम के सिलसिले में आपको कुछ निराशा हो सकती है या हो सकता है आज आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहे, गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण और सद्भाव से भरा रहेगा, प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को अच्छे नतीजे मिलेंगे, साथ में खूब बातें हो सकती हैं और रोमांस भी होगा। अगली राशि है सिंह राशि। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपने बिजनेस को मजबूत बनाने की दिशा में कोई नया प्रयास करेंगे, नौकरी पेशा लोगों को भी काम में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, साथ काम करने वालों को सहयोग मिलेगा, घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, गृहस्थ जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, प्रेम जीवन में आज का दिन अच्छा नहीं है, सेहत का ध्यान रखें। अगली राशि है कन्या राशि। आपके लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा, बेवजह की चिंताएं आपको परेशान करेंगी, लेकिन भाग्य मजबूत होने से किसी भी तरह के काम बन ही जाएंगे जिससे आपको खुशी महसूस होगी, गृहस्थ जीवन अच्छे तरीके से चलेगा, प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा है, अपने साथी के विवाह के लिए प्रपोज करें और उसमें आपको एक्सेप्ट आपका प्रपोजल भी हो सकता है जिससे आपको खुशी होगी। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आप अपनी पढ़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे,
अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों को भी आप पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, आपकी बुद्धि का विकास होगा, प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन चमक उठेगा। शादीशुदा के लिए अपने जीवन साथी से कोई फायदे की बात करने वाला है। काम के सिलसिले में आज का दिन सामान्य है, अपने काम से काम रखें, सेहत में गिरावट महसूस कर सकते हैं, संभल कर रहें, परिवार वाले आपको हर काम में साथ देंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, संपत्ति खरीदने के बारे में विचार आप कर सकते हैं, काम के सिलसिले में आपका पूरा ध्यान रहेगा, जिससे दोनों ही जगहों पर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, गृहस्थ जीवन में प्रेम और रोमांस के अवसर आएंगे, सब घुल मिलकर बातें करेंगे, रिश्ते बढ़िया होंगे और सेहत मजबूती दे सकता है। अगली राशि है धनु राशि। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, खर्चों में होने वाली बढ़ोतरी आपको परेशान करके रख देगी, इसलिए अपनी इनकम बढ़ाने और खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें, वित्त का प्रबंधन सही से करें, घर वालों का सहयोग मिलेगा जो आपकी मदद करेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, प्रेम जीवन के लिए आज के अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं, जो लोग शादीशुदा हैं उनका गृहस्थ जीवन बढ़िया रहेगा, काम के सिलसिले में आपको मेहनत पर जोर देना होगा, अपने गुप्त विरोधियों से सावधान रहें। अगली राशि है मकर राशि। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से अंजाम देंगे, आपकी सोच विकसित होगी और कुछ नया करने का विचार करेंगे, लेकिन पुराने तरीकों से। आपका आइडिया आपको मदद कर सकता है, लेकिन आपको परिवर्तन लाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में आज का शांतिपूर्ण समय रहेगा, जीवन साथी का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम जीवन के लिए भी भरपूर रोमांस का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी, काम के सिलसिले में थोड़ी निराशा हो सकती है। अगली राशि है कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप खुद में मजबूत रहेंगे, नए काम को करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी जल्दबाजी में भी हो सकते हैं, इसे नियंत्रण करने में कोशिश करें और जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर सफलता नहीं देता है। इनकम सामान्य रहेगी, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी कार्यकुशलता के बलबूते पर कई कामों को निपटा कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगे, काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे हो सकते हैं, गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा, प्रेम जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। अगली राशि है मीन राशि। आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान करके रख देगी, मानसिक चिंताएं भी हाई लेवल पर होंगी, खुद को समय दें, थोड़ा प्राणायाम करें, इससे आपका शरीर मजबूत होगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, खर्चे बने रहेंगे, खुद की सेहत पर ध्यान रखना इस समय जरूरी है और गृहस्थ जीवन के सिलसिले में आपको कुछ लोग काफ़ी अच्छी सलाह दे सकते हैं, उसे अपना कर अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, प्रेम जीवन के लिए आज अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं।